कुछ नहीं बोलूँगा। आज का खाना पापा के नाम, ये थोड़ा थोड़ा ये है कि कोफ्ते ट्राई कर रहा हूँ मैं। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, ओ तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए। तो फ्रेंड्स, घीये के बन गए कोफ्ते। आज स्पेशलिटी है ये बाली साहब ने बनाए हैं, और इधर मैं आटा गूंदने की तैयारी में है। रात के बज गए हैं 8:30, और डिनर की प्रिपरेशन थोड़ी चल रही है इधर। और ये है हमारी ग्रेवी, कोफ्ते के लिए ग्रेवी बन रही है। तो जो बाली साहब की अपीयरेंस थी वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस थी, सिर्फ इनका मसाला तैयार करने की। कोफ्ते का घीये के कोफ्ते हैं ये, और साथ में इनकी थोड़ी सी फ्राइंग की, तो गेस्ट अपीयरेंस ही समझा जाए, उसको ये ना समझा जाए कि वो परमानेंट कोई वो प्रेपरेशन कर रहे हैं डिनर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर व्लॉग। तो आज है 1 मई, और सुबह के अभी बजे हैं 6:30। तो आज थोड़ा सा जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है अपना मॉर्निंग का, इसलिए कि आज एक तो ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी जल्दी हैं, 8 बजे से शुरू हैं, और ब्रेकफास्ट का भी काम है, और थोड़ा सा जो खाना देना भी है किसी को, आज सैटरडे है ना, तो फिर जो वो नई फसल का खाना होता है, नई फसल तो हम नहीं उगाते हैं वैसे, लेकिन जो नया आटा होता है, चेंज ओवर होता है ना सीज़न में, कभी मक्की का कभी गेहूं का आटा, ठीक है, तो उसका भी रोटी देनी है, तो वो खाना एक बनाना है, तो वो भी काम है, और क्लास भी है। तो सबसे पहले फटाफट में से मैं जो लाइट सा ब्रेकफास्ट बनाना है वो बना लेती, तो फिर मैं अपनी क्लास लेके बाकी सारे काम उसके बाद में। पहले तो शुरुआत करते हैं, ये जो रात की टोकरी भर के रखी है बर्तनों की, धोए हुए बर्तन हैं, इनको अरेंज करने से सबसे पहले ये करूँगी मैं, और उसके बाद हम करेंगे चाय की प्रिपरेशन। सुबह की चाय सबको उठाऊँगी, और फिर बाकी काम। तो अभी बच गए हैं 10:15, 2 क्लासेस में लगा चुकी हूँ, और बनाते हैं जो खाना हमने देना है। और वाले साहब जा चुके हैं, बच्चों के लिए दलिया ब्रेकफास्ट में हल्का सा बना दिया था, और जो है वाले साहब के लिए थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी चपाती के साथ जल्दी से बना के क्लासेस लगाई। उसके बाद अब खाना जो देना है उसको बनाने का काम है। तो वैसे तो लॉकडाउन है, वीकेंड्स पे हिमाचल में शॉप्स वगैरह शायद काफ़ी ज़्यादातर बंद हैं, असेंशियल शॉप्स ही खुली होंगी, लेकिन ऑफिसेज तो ओपन है, तो इसलिए वाले साहब को जाना पड़ रहा है। टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत होती है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। तो ये मैंने बनाए हैं माँ और राजमा की दाल, ये देने के काम भी आ जाएगी और अपने लंच ब्रेक के भी काम आ जाएगी। तो मैंने सोचा अलग अलग क्यों बनाऊँ, तो एक ही बार बना ली मैंने दाल। और ये तड़का चल रहा है इधर ये वाला, और अभी साथ साथ जो इसके थे ना टमाटर, वो मैंने बीच में बॉयल कर लिए थे, तो अब इनको टमाटरों को मैं कर लूँगी चॉप। मैश बोलो, चॉप बोलो, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से ये इनका प्यूरी सी बन जाएगी, और फिर हमारे अच्छे तैयार हो जाएंगे महाराजमा। साथ में मैं जो देने के लिए बनाऊँगी वो राइस बनाऊँगी, चपाती बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, और मीठे के तौर पर पहले सोचा मैंने कि सेवियाँ बनाऊँगी, लेकिन अब सिर्फ शक्कर और घी और शक्कर दे दूँगी मीठे की जगह। तो एक काम थोड़ा सा मैंने कम कर लिया है, तो यहाँ पे तड़का हो रहा है, राइस बन चुके हैं इसमें, राइस दूसरे कुकर में तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दाल का तड़का वगैरह लग गया, तो अब मैंने सोचा कि रायता बना लूँ फटाफट से, क्योंकि फिर मुझे क्लास भी लेनी है। तो सबसे पहले मैंने दही में पतला करके डाल लिया, उसमें प्याज और हरी मिर्च तो ऑलरेडी डाल ली है, और ये है मेरा खीरा और टमाटर डाल करके, इसमें मैं डालूँगी अपना सिर्फ जो है काली मिर्च का पाउडर, और फिर साथ में जाएगा सिर्फ हमारा ये जो सेंधा नमक, ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा दोपहर के काम भी आ जाएगा, लंच के टाइम के भी, और देने के काम भी आ जाएगा रहता, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं बनाऊँगी चपाती, और फिर दे देंगे हम खाना, जहाँ भी देना अपने मोहल्ले में ही दे देंगे, और फिर अगली क्लास का काम शुरू। तो फ्रेंड्स, जो देने वाली थाली थी वो तैयार कर ली है, इसमें मेरे पास चपाती, राइस, राजमा आ गए, महाराजमा की दाल आ गई, और साथ में रायता और घी और शक्कर। आज इतना ही है, थोड़ी बिजी थी, अगर थोड़ा और टाइम होता तो कुछ और बनाती स्पेशल सा। सो साथ में दक्षिणा रख ली है, तो आदित्य के पास मैं इसको भेज रही हूँ, उसके बाद अभी मिलेंगे दोपहर में आपसे, क्योंकि अब हैं क्लासेस, और उसके बाद लंच का काम। अब लंच में जो हमारा अपना काम बचा है, राइस और दाल तो बने हैं, रायता भी बना है, अपने लिए चपाती बनाएंगे लंच के लिए, तो लंच के लिए थोड़ा सा काम आज कम हो गया है।
आदित्य चलो देख के आओ, देख के आओ। मेरी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, आदित्य की अभी एक बची है, एक से दो बजे वाली, और अमूल्य अपनी क्लास अटेंड कर रहा है इधर, और शायद क्लास के दौरान ही उसको कोई टेस्ट मिला है तो वो टेस्ट को जो है वो कॉपी पे लिख रहा है। कॉपी पे लिख के जो है अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करेगा और फिर बाद में अपने टेस्ट को सेंड कर देगा, और उसके बाद सिर्फ एक काम बचेगा आदित्य की क्लास का, रेस्ट ऑल क्लास का काम हमारा ओवर है। अभी बज गए एक और सारे काम मेरे फिनिश हैं। अभी लंच के सिर्फ मुझे चपाती ही बनानी है, चावल और दाल बन रखे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो रात को जो शाम को वाले सब लाए थे ना सब्जियां थोड़ी सी, तो अदरवाइज़ तो सैटरडे शाम लाते हैं, लेकिन आज तो पता है सैटरडे और संडे वीकेंड पे जो हिमाचल साइड है और पंजाब साइड है मतलब लॉकडाउन ही है ऑलमोस्ट, मतलब शॉप्स वगैरह पता नहीं सब्ज़ी की उसमें खुली रहेंगी या नहीं रहेंगी, नॉट श्योर, तो मैंने कहा क्यों चांस लेना है। तो अभी क्या करती हूँ, पहले मैं इन सब्ज़ियों को धो लेती हूँ, क्योंकि रात से आए रखी थी ना तो बाहर ही पड़ी थी, सुबह धोनी थी लेकिन काम ज़्यादा था, तो फिर अब मैं इनको पहले धो लेती हूँ और फिर थोड़ी देर एक घंटा बाहर सूखी रहेंगी और फिर सूखती रहेंगी, फिर इनको हम रख लेंगे फ्रिज में। और ये बर्तन हैं जो अपने सुबह के सारे काम के फिनिश करके किए थे, इनके बाद में अरेंज करती हूँ, पहले मैं सब्ज़ियाँ धो के इनको सूखने के लिए रख देती हूँ। ये है वनीला आइसक्रीम जो बच्चों ने रात को बड़े शौक से बनाई थी और खुद ही बनाई थी इन दोनों ने जब हम डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे। और अब बज गए हैं शाम के 5 और ये सोचा गया था कि इसको लंच के बाद हम खाएंगे, लेकिन अब बच्चे हैं उदास क्योंकि पापा ने मना कर दिया कि आइसक्रीम नहीं खानी आजकल के दिनों में ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, तो हम जो है इसको खा नहीं रहे हैं क्योंकि अपने गले का पूरा ख्याल रखना चाहिए इन दिनों में, तो बनाने के बावजूद भी हम खा नहीं रहे हैं क्योंकि पापा ने मना किया है इसको खाने के लिए, लेकिन इसको देखने के लिए कोई मना नहीं है, तो हम इसको देखे जा रहे हैं इसकी तरफ कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई साइंटिफिक प्रोसेस हो जाए, कोई डिफ्यूजन, कोई ऑस्मोसिस, कोई क्रोमेटोग्राफी, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे हमें बिना खाए जो इसका असर है वो हमारे अंदर तक चली जाए, इसकी जो मिठास है और इसका कूल इफ़ेक्ट है वो हमारे अंदर तक चला जाए इसको बिना खाए। तो देखते हैं कब तक हम इसको देखते हैं, लेकिन इसको तो हम नहीं खाएंगे, पापा ने मना किया है, लेकिन उसके बदले में हमें पीने की पड़ेगी चाय जो अमूल्य बना चुके हैं हमारे पास। तो फाइनली हमने आइसक्रीम का डिब्बा बंद कर दिया है और उसकी जगह पे अपने मन को समझाने के लिए चाय पी ली है कि भाई ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे लेकिन गर्म चाय अदरक वाली तो पी सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा एपिसोड का जो आइसक्रीम का एपिसोड है वो हो गया है क्लोज और फिनिश हो गया है चाय के साथ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग को हम एंड करते हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी, टाइम 5:30 का टाइम हो चुका है और मौसम इतना ठंडा है, बाहर से तेज़ हवाएं आ रही हैं, तो इट इज़ रियली प्लेजेंट वेदर एट दिस पॉइंट, और इतनी तेज़ अभी हवा आई है, आवाज़ शायद आप सुन रहे हैं, तो आप भी इंजॉय करिए मौसम को। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग।